लाश बरामद होने के बाद से ही धर्मपुर के जंगल में असलहे से लैस पुलिस के एक दस्ते ने अपना पड़ाव डाल दिया था। जिस वक्त इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद वहां पर पहुंचे, उन्होंने उन्हें जंगल में गश्त करते हुए पाया। एक ने उन्हें टोका भी, लेकिन दूसरा शायद उन दोनों को पहचानता था। उसने उसे सलाम किया। क्यों भाई, कोई खास बात है? फरीदी ने पूछा। नहीं हुजूर, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, कांस्टेबल ने जवाब दे दिया। उस गड्ढे की तरफ कोई दिखाई तो नहीं दिया था? कांस्टेबल घबराकर बोला, गड्ढा तो कोई मिला ही नहीं सर। क्या मतलब? फरीदी ने उसे कड़ी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या ऑर्डर दिए गए थे? हुजूर, हमसे एक गड्ढे के बारे में कहा जरूर गया था, लेकिन यहाँ पहुंचने पर हमें कोई लाश नहीं दिखाई दी। फरीदी और हमीद तेजी से झाड़ियों की तरफ बढ़ गए। वाकई वहां गड्ढे का नामो निशान तक न था। किसी ने गड्ढे को बिल्कुल बराबर कर दिया था, जमीन बराबर कर दी थी। लीजिए, ये दूसरी रही, फरीदी हाथ मलते हुए गुस्से में बोला। फिर वो दोनों कांस्टेबलों की तरफ मुड़कर बोले, जरा अपने इंचार्ज को तो बुलाओ। दोनों चले गए। मुजरिम गलती पर गलती करते चले जा रहा है, हमीद ने कहा, भला इसकी क्या जरूरत थी? जी नहीं, वो हमारी गलतियों से फायदा उठा रहे हैं। कल रात हम में से किसी एक को उस वक्त यहाँ मौजूद रहना चाहिए था जब तक कि पुलिस यहाँ ना पहुंच जाती, फरीदी ने कहा। जानते हो हमीद कि जमीन पाट देने का क्या मतलब है? हमीद ने नामे सर हिला दिया। फरीदी बोला, मुजरिम किसी ऐसे निशान को मिटा गए जिससे सुराग लग जाने का खतरा था। तब तो बहुत बुरा हुआ, हमीद बोला। थोड़ी देर के बाद पुलिस का इंचार्ज आ गया। क्यों साहब, आपको क्या ऑर्डर दिए गए थे? फरीदी ने उसे घूरते हुए पूछा। सर, हम रात से उस गड्ढे को तलाश रहे हैं सर। चीज ही ऐसी कि कोई भी धोखा खा जाए, फरीद ने हमीद की तरफ मुड़ते हुए कहा। सनसरी तौर पर देखने से यहाँ मालूम होता है कि इससे पहले यहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था। यहाँ पर सूखी घास इस तरह से बिछाई गई है कि अच्छे अच्छे धोखा खा जाए। इस घास को फैलाते वक्त वे भूल गए थे कि इस तरह तो उनकी उंगलियों के निशान हमें मिल जाएंगे, हमीद ने कहा। हमीद साहब, इतनी जल्दी कुछ ना कहो, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। इस बार बहुत ही चालाक आदमी से पाला पड़ा है। अरे मियाँ, ऐसे मौके पर सड़ा से सड़ा मुजरिम भी दस्ताने इस्तेमाल करता है, और वो तो इतना चालाक चोर है। बहरहाल मुजरिम की ये दूसरी बेवकूफ़ी उसके सुराग के लिए काफ़ी होगी। वो अगर काफ़ी ना भी हो तो भी कोई और ना कोई सुराग तो ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई बात ज़रूर मालूम हो जाएगी। बहरहाल सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि लाश का पता लग जाने के बाद गड्ढे को बिल्कुल बराबर करने की क्या ज़रूरत हो सकती है, फरीदी ने सिगार का धुआं छल्लों की शक्ल में निकालते हुए कहा। हो सकता है कि गड्ढे में कोई चीज़ रह गई हो जिससे मुजरिम का सुराग मिल सके, लेकिन ऐसी सूरत में भी गड्ढे को बराबर करने की यानी गड्ढे को भरने की खास वजह समझ में नहीं आती सर। ये काम पुलिस के पहुंच जाने के बाद नामुमकिन हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोगों के चले जाने के बाद ही हरकत की गई है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वे हमारी निगरानी कर रहे थे। जी हाँ, हम लोगों के आने से पहले ही ये सब कुछ किया गया, वरना हम लोग तो बस आप तो रहने दीजिए इंचार्ज साहब, आप लोगों तो काफी मुस्तैद रहे, फरीदी ने इंचार्ज की बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा। अच्छा, अब उसे दोबारा खोदने का इंतजाम करना चाहिए। इंचार्ज ने 3-4 कांस्टेबलों को बुलाकर गड्ढा खोदने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों के पास कोई ऐसी चीज न थी जिससे जमीन खोदी जा सकती। आखिरकार ये तय हुआ कि लक्ष्मणपुर से कुछ मजदूर बुला लिए जाएं। क्या उसे खोदने के लिए आप लोगों की संगीने काफी नहीं, हमीद ने कहा। कभी कभी मामूली बातें भी देर से सूझती हैं, इंचार्ज ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। कांस्टेबलों ने अपनी संगीनों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल की संगीन किसी चीज से टकराई। ठहरो, फरीदी झुकते हुए चीखा। उसे दोनों हाथ से जल्दी से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। ये लीजिए, कोई और नई मुसीबत, फरीदी ने गड्ढे में से एक भारी थैला बाहर खींचते हुए कहा। अरे ये क्या, सबने एक साथ कहा। फरीदी ने रस्सी से बने थैले का मुंह खोलकर उसे जमीन पर उलट दिया। थैले में गिदड़ की लाश थी जिसके मुंह से तंबाकू पीने का पाइप दबा हुआ था। उसके साथ शराब की 2 खाली बोतलें भी बरामद हुई जिनमें से एक संगीन लगने से टूट गई थी। गिदड़ के सीने से एक कागज बंधा हुआ था जिस पर गालिब का एक शेर लिखा था। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तो तुमको मगर नहीं आती। फरीदी पर हंसी का दौरा पड़ गया। बाकी लोग हैरत से कभी उसे देखते और कभी गिदड़ की लाश को। फरीदी बराबर हंसे जा रहा था। धीरे धीरे उसकी हंसी इतनी भयानक मालूम होने लगी कि कई कमजोर दिल वाले कांस्टेबल वहां से चुपके से खिसक गए। फरीदी हंसे ही चला जा रहा था। इतना हंसा कि आखिरकार चकराकर गिर पड़ा। हमीद और इंचार्ज दौड़कर उसके करीब पहुंचे। वो बेहोश हो चुका था। अरे ये क्या मामला है, इंचार्ज ने घबराहट में कहा। ना जाने क्या बात है, मैं खुद चक्कर में हूँ, हमीद ने फरीदी को झंझोड़ते हुए कहा, लेकिन फरीदी के चेहरे पर होश के कोई आसार पैदा ना हुए। अब क्या किया जाए,
हमीद ने इंचार्ज की तरफ देखकर कहा। हमीद साहब, अब तो मेरा भी यही ख्याल है कि जरूर कोई शैतानी कारखाना है, इंचार्ज ने कांपते हुए कहा। गिदड़ की लाश का क्या मतलब है, और फिर उसके साथ शराब की बोतलें और मुंह में दबा हुआ पाइप और वो शेर, ऐसी अजीब बातें आज तक देखने में नहीं आई। बहुत अच्छे, फरीदी उसकी तरफ तारीखी नजरों से देखते हुए बोला। मगर हैरत है कि मुजरिम इतना होशियार होने के बावजूद यहाँ कैसे चूक गया। जरा जल्दी से वो कागज़ खोलो। गिदड़ की लाश से वो कागज़ खोलकर हमीद ने पलटा तो उसका मुंह बुरी तरह लटका हुआ था। इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा। क्या? ये शेर किसी किताब से काट कर कागज़ पर चिपका दिया गया है। यही तो मैंने कहा, इतने चालाक आदमी ने भला ऐसी बेवकूफ़ी कैसे की, फरीदी ने कहा। हमीद साहब, इस बार एक अच्छा सुराग हाथ आया है। फरीदी अब रुमाल बिछाकर जमीन पर बैठ गया। वो सिगार की लंबी लंबी कश ले रहा था। उसकी आंखें एक टक गिदड़ की लाश पर जमी हुई थी। कांस्टेबल आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। हमीद गड्ढे से मिट्टी निकाल कर एक तरफ ढेर कर रहा था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि जल्दी कोई चीज मिल जाएगी जिसे सुराग लगाने में आसानी होगी। थोड़ी देर बाद बहुत थक कर माथे से पसीना पोंछने लगा। फरीदी की निगाहें अब जमीन पर चक्कर लगा रही थी। अचानक वो चौंक पड़ा और उसकी आंखें चमकने लगी। वो उठकर गड्ढे के पास गया और फिर यहाँ झुककर कुछ देखते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर बहुत सीधा खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, हमीद यहाँ आओ, तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाता हूँ। हमीद हाथ की मिट्टी झाड़ता हुआ उसकी तरफ लपक गया। यहाँ देखो, फरीदी अपनी जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर यहाँ पर। अरे भाई, जमीन पर बैठते और उसके बाद देखो मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, ये किसी चिड़िया के पंजों के निशान है, फरीदी बोला। तो क्या ये अजीब बात नहीं है हमीद कि इसके बदन पर किसी चिड़िया के पंजों के निशान है? अजीब बात, हमीद जोर से हंसते हुए बोला। इसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आती सर, भला किसी चिड़िया के पंजों के निशान में क्या अजीब बात हो सकती है, फरीदी हंसते हुए बोला। भाई मान गया तुम्हें, हमीद बोला। क्या हुआ सर, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हमीद, तुमने यही कहा कि यही तुम जिंदगी भर एक कामयाब जासूस नहीं हो सकते। चलिए मान लेता हूँ सर, लेकिन आखिर ये तो बताइए कि इस निशान में अजीब बात कौन सी है, फरीदी बोला। जमीन देख रहे हो कितनी सख्त है, अभी तक बारिश भी नहीं हुई, ऐसी सूरत में किसी मामूली चिड़िया के पंजे इतने गहरे निशान नहीं बना सकते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका वजन 2.5-3 मन से किसी तरह कम ना होगा, और इतने वजन की चिड़िया के इतने छोटे छोटे पंजों का ख्याल हैरत में डालता है। फौरन सोचो तो उस बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ऊँट को गोरैया के पंजे दे दिए गए हों। और दूसरी बात देखो, यहाँ चार निशानों के बीच का फासला 4-4 उंगल है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह चिड़िया के 2 कदम पूरे हुए। पहली चीज ये कि इतनी वजनदार चिड़िया इतने छोटे पैर रखती है कि वह 4 उंगल से ज्यादा नहीं। ये चारों निशान यहाँ खत्म हो गए। इसके बाद तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर फिर वैसे ही 4 निशान मिलते हैं। दूसरी हैरत की बात यह हुई कि इस चिड़िया हर 2 कदम चलने के बाद 1.5 फुट कूदती है। मेरे पीछे आओ, फरीदी ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये देखो, कहीं भी इसकी चाल में फर्क नहीं आया। 2 कदम चलने के बाद उसके लिए 1.5 फुट उछलना जरूरी है। कहो, कभी ऐसी चिड़िया ख्वाब में देखी है तुमने? अब बताओ कैसी रही? फरीदी साहब, मैं फिर कहता हूं कि अभी भूत। इसका एक गुड स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।